थाना भवन में फ्री में जाता था क्या? खरीदा गया, दबाया गया, अन्याय को से अरे भाई लगता नहीं है, जेल में डाल दूंगा अगर तेरी बात नहीं मानोगे। अरे बड़े थाना फिर एक मोबाइल में देखो देखो शाह अली उल्लाह के घराने में, शाह अब्दुल अजीज मोहम्मद दहलवी के घराने में इस्माइल दहलवी पैदा हुआ। मैं नाम लेने से डरता नहीं। अगर डर गया तो अली की औलाद था। हाँ हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद आला जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा गौर फरमाइए, तकीतुल ईमान आई, इमाम अहले सुन्नत पर हैदराबादी ने मोर्चा संभाला, मुफ्ती सदरुद्दीन हजरुल्ला, मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना मुनव्वरुद्दीन, इन सब लोगों ने ऐसा उसको जलील किया जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर क्या तक सुन नहीं था। ये जब तजर्बा ना काम हुआ तब अंग्रेजों ने कहा ना ना ना, एक किताब से काम नहीं चलेगा, किताबों पर किताबें लिखवाओ, इस्लाम पे हमला करो, इस्लाम का कोई गोशा बचने न पाए जिस पर हमला ना हो। नतीजा ये कि चौतरफा भाइयों हमला शुरू हो गया, कोई रसूल के इल्म खैर पर हमला करने लगा, उनके इल्म को जानवरों पागलों के उलूम से तजवी देने लगा, कोई खातमियत के माने में तब्दीली करने लगा कि वह फर्दे बहाल अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे नबी के बाद एक नबी के आने के इम्कान पर इसरार करने लगा, कोई शैतान की गुसते इल्मी का डंका बजाने लगा, कोई मरकर मिट्टी में मिल ना बड़ा भाई कहने लगा, कोई नमाज में ख्याल आने को बदतर कहने लगा, रसूल पाक पर हमला, उनकी नबूवत पर हमला, उनकी रसालत पर हमला, उनकी अजमत पर हमला, उनकी रिफत पर हमला, बुलंदी पे हमला, पे हमला, उनकी सियादत पर हमला, उनकी कयादत पर हमला, उनकी रसालत पर हमला, उनकी मकबूलियत पर हमला, उनकी महबूबियत पर हमला, और जब उच्चे जी नहीं भरा तो गौसे आजम पर हमला, गरीब नवाज पर हमला, महबूबे इलाही पर हमला, वलियों पर हमला, आफ्ताब पे हमला, अब्दाल पर हमला, औलिया अल्लाह पे हमला, और कभी सारे